तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजी टिप्स पे। एंड आज की जो वीडियो है इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे पाइथन का और इंस्टॉलेशन करेंगे पाइथन का, और पहला कमांड और कोड हम लिख के देखेंगे कि पाइथन में जो पहला कोड कैसे काम करता है एंड इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो हम अपने विंडोज़ की स्क्रीन पर पहले से ही हैं, तो अब हमें क्या करना है कि अपना जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। अगर विंडो 11 यूज़ कर रहे हो मेन तरह, तो फिर आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेना है। अगर आप लिनक्स या फिर मैक का यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपना साइट करना है, आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है वीएस कोड। वीएस कोड क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर प्रोग्राम जब कुछ भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। तो जो वीएस कोड है वो कंपाइलर है एक तरीके से, जिसपे हमें सारे प्रोग्रामिंग्स मिल जाते हैं। तो वी एस कोड एक हमें नॉर्मली एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला के देता है, ऐसा हम इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि इजीली कमांड्स लिख सकते हैं, इजीली हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, उस पर कितना बेसिक्स बना देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वी एस कोड को डाउनलोड करेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे हो विंडोज़, तो फिर आपको विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना है और यहाँ पर लिखना है वी एस कोड। एंड यहाँ से आपको वीएस कोड को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो मुझे मेरे पास इंस्टॉल दिखा रहा है। अब गूगल से आपको जैसे डाउनलोड करना है तो आपको वीएस कोड पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड्स पे जाना है। यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज़ है तो 10 और 11 दोनों के लिए यहाँ पे एक्सेसिबल फाइल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैक के लिए भी है, बाकी जो हमारा लिनक्स है उसके लिए .dev फाइल है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जब डाउनलोड हो जाता है तो आपको टर्मिनल ओपन करना होता है। टर्मिनल में आपको सिंपल सा कमांड लिखना होता है सुडो सू, जिससे हमें एक्सेस मिलता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे होता है हमारे विंडोज़ में, वैसे ही सुडो एक यूज़र होता है, रूट यूज़र होता है, जिससे रूट यूज़र का एक्सेस लेते हैं हम सुडो सू से। उसके बाद हमारा जो अगला जो कमांड आता होता है dpkg-i, उसके बाद हमने जो फाइल डाउनलोड करा उसका पूरा नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि हमें वी एस कोड अगर इंस्टॉलेशन कर लिया है उसके बाद क्या, वो वी एस कोड जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हमें यह सब नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि अब जो है तो हमें पाइथन की एक्सटेंशन फाइल इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो बॉक्स जैसे दिख रहे हैं एक्सटेंशन फाइल्स, उस पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा सकते हैं और यहाँ पे हमें लिखना है पाइथन। पाइथन लिखने वाले आप पाइथन का जो लैंग्वेज है हमें उसका एक्सटेंशन मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है कि हमें फिर से अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है उस पर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना है। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करना है यहाँ से, मैंने इंस्टॉल कर रखा है 3.11। अब अगर आप मैक और लिनक्स यूज़र है तो क्या करना है, तो लिनक्स यूज़र को इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती पाइथन की, कि लिनक्स में पाइथन, सी और जावा स्क्रिप्ट ये सारे जो लैंग्वेजेस है वो प्री इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो पाइथन के लिए आपको python.org लिखना है, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। पाइथन एक ओपन सोर्स है तो इसमें कोई बाय या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद जब आप पाइथन पे आ जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। पाइथन का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.12.3, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है सेव, ठीक है। डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करना है इस पर, डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरे पास इंस्टॉल ही दिखा रहा है तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है कि पाथ टू इंस्टॉल, आपको पाथ टू इंस्टॉल पे क्लिक करके ही इंस्टॉलेशन करना है। उससे क्या होता है कि आपका जो पाइथन है उसका ना पाथ डिक्लेयर हो जाता है कि इस जगह पे मेरा पाइथन का फाइल इंस्टॉल, ठीक है। मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें चेक करना है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपली एक फाइल क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे
फाइल क्रिएट कर रखा है पाइथन करके, ठीक है, इसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, मैं अपना वी एस कोड ओपन करूँगा, फोल्डर ओपन करेंगे और ये रहा मेरा फोल्डर पाइथन का, ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है फाइल और ये है फोल्डर। फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया बॉस डॉट पाई डॉट पाई क्या सॉरी बॉस डॉट पाई। पाई क्या है, ये जो पाई है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक एक्सटेंशन होता है, ये बताता है कि हमारा जो फाइल है वो किस चीज़ में। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं और ये जो हम सेव करेंगे वो डॉट txt में सेव होता है, मतलब ये जो है टेक्स्ट फाइल है। अगर डॉट पाई में सेव हुआ मतलब ये पाइथन की फाइल है, और अगर डॉट cp में सेव हुआ तो मतलब ये C++ की फाइल है, ठीक है। ऐसे अगर डॉट box में सेव हुआ तो मतलब ये वर्ड फाइल है, या फिर csv में सेव हुआ तो ये एक्सेल फाइल है। ये समझ के ऐसे होता है कि ये जब फाइल लिख जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, पाइथन की फाइल। अब इसमें बेसिकली एक कमांड रन करके दिखाऊंगा कि पाइथन काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं एक चीज़ प्रिंट कर, मैं बहुत सी प्रिंट करके देखता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यार से बॉस, ठीक है। मैंने जो कोड लिखा है इस हिसाब से बॉस जो है उसको प्रिंट हो जाना चाहिए, तो प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे बॉस प्रिंट हो, ठीक है। अगर आप वी एस कोड का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वी एस कोड अगर यूज़ नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, तो आप एक आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, रिपल नाम का एक कोड एडिटर है, रिपल नाम का एक कोड एडिटर है जो जिसपे आप किस कहीं पर भी चाहे तो रिपल, जैसे आज मैं मेरे पास लैपटॉप है, मान लो मेरा लैपटॉप जो है सो ज़्यादा लोड उठा नहीं पाता, तो मैं रिपल में क्या करूँगा, ऑनलाइन कोड लिखूँगा, ठीक है। कोड लिखने के बाद उसको सेव कर दूंगा अपने फाइल में, और वो क्या होगा कि मैं उस कोड को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे मैं घर पे एक्सेस कर लूँ यूज़र आईडी पासवर्ड से, अपने लैपटॉप में एक्सेस कर लूँ, या फिर अपने फ़ोन से एक्सेस कर लूँ, या फिर मैं कैफे में जाके किसी और पीसी पे एक्सेस कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें इसका कर सकता हूँ। तो आपको सिंपली रिपल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको लॉगिन करना है, या तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड से करते हो, या फिर आप सीधा गूगल से कर ले। यहाँ से आपको क्रिएटर आइकन पे क्लिक करना है, हमें पाइथन के एक्सटेंशन जो, तो हम पाइथन पे क्लिक करेंगे और क्रिएटर आइकन पे क्लिक, हम इसका नाम दे देते हैं, नाम यहाँ पे आ गया फ्रैंक टू, पता नहीं पता क्या घटिया था, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल, अब इसमें हम क्या करें पाइथन में, अब इसमें हमें कोड लिख, तो कोड लिखते हैं पहले प्रिंट बॉस, ओके। तो हमारे हिसाब से बॉस प्रिंट हो जाना चाहिए, बॉस प्रिंट हो। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियोस के लिए, अगली वीडियो में हम देखेंगे कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट लिखेंगे, और कमेंट लिखने के बाद हम इंटीजर के बारे में बात करेंगे और स्ट्रिंग के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा से।